Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. देखिए कोई भी नई व्यवस्था आती है तो कई बार पूरी व्यवस्था की जानकारी नहीं रहती है, इसलिए भी विरोध होता है और स्वाभाविक है। एक अब तक जो कार्य संस्कृति रही है बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 25-30 साल में जो परिस्थितियां बनी, हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय प्रदेश की जनता कहती थी कि स्कूलों के टीचर समय से आधा घंटा पहले आते हैं। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, इनकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं रहा, कभी भी कोई स्कूल आए कभी भी जाए या ना आए तो भी कोई बात नहीं। जिन अधिकारियों के जिम्मे ये व्यवस्था थी कि उसकी मॉनिटरिंग करें, नियमित करें, क्योंकि स्कूल को हम चाहे जितनी ढांचागत सुविधाएं दे दें, जब तक अध्यापक समय से स्कूल नहीं आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो किसी सुविधा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो अब बहुत दिनों बाद एक बार फिर से उसकी एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो रही है, लोग नियमित स्कूल आएँ जाएँ। और एक भ्रांति भी है लोगों में, ये प्रेरणा ऐप केवल शिक्षकों की अटेंडेंस के लिए नहीं है, इसमें तो हम पूरी व्यवस्था की लखनऊ में बैठ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, हैंडपम्प चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मिड डे मील बना है कि नहीं बना, और बना है तो उसमें क्या बना है, ये सब तस्वीरें उस प्रेरणा ऐप के माध्यम से अपलोड होनी है। पूरी व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास 1,59,000 स्कूल हैं, 1,80,00,000 बच्चे हैं, 6,00,000 से अधिक शिक्षक हैं, इन सब की मॉनिटरिंग हो सके और हमको जानकारी हो सके, कहाँ क्या कमी है उसको ठीक कर सकें, इसके लिए ऐप है। मुझे विश्वास है कि जब हम सभी स्कूलों को टैबलेट दे देंगे और धीरे धीरे लोग इस व्यवस्था की अच्छाई को समझ जाएंगे तो ये विरोध भी बंद हो जाएगा। क्या क्या लगता है, आप जो डिपार्टमेंट है बेसिक शिक्षा विभाग है, इसमें कहाँ लापरवाही है जो इतने बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक कहाँ से इसमें अंदर आ जा रहे हैं, और आप इस पर क्या कुछ कर रहे हैं फिलहाल? अब ये पिछली जो सपा बसपा की सरकार थी वो हर विभाग में जो कारनामे करती थी, वही कारनामा उनके समय में बेसिक शिक्षा विभाग में भी हुआ। अंक पत्रों में हेर फेर करके, एक ही नाम का इस्तेमाल करके, तमाम सारे लोग उस समय के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से घुस आए हैं, लेकिन योगी सरकार उसको उसका सफाया करने के लिए, जो भी हर विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी योगी सरकार की चल रही है, बेसिक शिक्षा विभाग में भी होगा। वो करने क्लीन के नाम से कुछ नारा दिया है, क्या है ऑपरेशन क्लीन? जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको हम दूर करेंगे, क्योंकि योगी जी की मंशा यह है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलना चाहिए और हम सब लोग उसी मंशा के अनुरूप काम करें।